मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मत्स्य विभाग के राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम में मत्स्य निदेशालय बड़ासे ग्रांट देहरादून में स्थापित होने वाले मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ करने और मत्स्य पालन में लगने वाली दरों को कृषि दरों पर निर्धारित करने के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं में मत्स्य मंडी की स्थापना करने की घोषणा की। इस मौके पर सीएम ने मत्स्य विभाग से संबंधित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दो लाभार्थियों मोटर करने के साथ उधम सिंह नगर और के तालाबों के पट्टों का आवंटन भी किया। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारे उत्पादों को अच्छा बाजार मिल सके इस कार्य है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन बढ़ना स्वरोजगार के लिए एक नई उम्मीद है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। जहाँ मत्स्य विकास के कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की जा रही है, उससे हमारे प्रदेश के अंदर भी आज 336 व्यक्तिगत लाभार्थी है। उन 17 सहकारी समितियों को भी अभी तक इसके लाभार्थी होने का अवसर मिला है। ये मत्स्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो, उसके लिए जब मीनाक्षी सुंदरम जी बोल रहे हैं कि एक बात है कि सरकार मत्स्य पालन के लिए आप सबका प्रोत्साहन करे, वो सरकार की प्रतिबद्धता है कि आपका प्रोत्साहन सरकार करेगी।